नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन वेब गुरु चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोनोग्राफी क्या है, सोनोग्राफी में अपना कैरियर कैसे बनाएं, सोनोग्राफी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या सोनोग्राफी कोर्स करने के बाद हम अपना खुद का लैब खोल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी चर्चा इसी तथ्य पर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल का दायरा सिर्फ डॉक्टर या नर्स तक ही सीमित नहीं होता, इसमें कई लोग जुड़े होते हैं जिनकी भूमिका अहम होती है। उन्हीं में एक रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है। दरअसल किसी भी बीमारी के सफल और सही इलाज के लिए पहले बीमारी की पहचान बेहद जरूरी है। बीमारी की पहचान के लिए कई बार मरीज के अंदरूनी हिस्से यानी कि इंटरनल पार्ट की जाँच की जाती है, जिसे रेडियोलॉजी कहा जाता है। रेडियोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है, पहला डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड सेकेंड जो है वो है थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की हाईटेक शाखा है जो विभिन्न रोगों, शारीरिक गड़बड़ियाँ की पहचान और उपचार में भी मदद करती है। सोनोग्राफी रेडियोलॉजी का एक ब्रांच है। इसका उपयोग शरीर के विभिन्न अंग, मसलन छाती, दिल, पेट आदि में जाँच करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। गर्भस्थ शिशु की भी सभी प्रक्रियाओं की जानकारी सोनोग्राफी के माध्यम से ही जान सकते हैं। यदि किसी में शरीर के भीतर चल रही प्रक्रिया को जानने की इच्छा है और इसमें करियर भी बनाना चाहते हैं तो सोनोग्राफी उपयुक्त विकल्प है, बेस्ट ऑप्शन है। प्रत्येक हॉस्पिटल में इससे संबंधित कार्य होने की वजह से इनकी काफ़ी मांग बढ़ चुकी है और बढ़ेगी ही इन फ्यूचर। बात करें सोनोग्राफी के लिए एलिजिबिलिटी की, तो सोनोग्राफी से संबंधित कोर्स में एडमिशन के लिए भौतिक यानी कि फिजिक्स, रसायन यानी कि केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से आपको 12th पास करना होगा इन सब्जेक्ट के साथ, और 45% नंबर आपका होना आवश्यक। इन तीनों विषय को मिलाकर 45% नंबर है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप योग्य हैं। संभावनाएं की बात करें यानी कि जॉब स्कोप की बात करें तो विशेषज्ञ के अनुसार यानी कि बाय एक्सपर्ट एजुकेशन के बाद हेल्थ केयर सेक्टर में इसकी, तो जैसा कि हमने बता ही दिया कि जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। इस कोर्स को करने के बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। वैकेंसियाँ भरपूर मात्रा में निकलती हैं। आप प्राइवेट क्लिनिक में भी काम कर सकते हैं, नर्सिंग होम और हेल्थ केयर सेंटर पर, टेक्निकल कॉलेज में भी आप काम कर सकते हैं और खुद का आप सोनोग्राफी लैब खोल सकते हैं। सोनोग्राफी को ही दूसरी भाषा में अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद आप अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी एज ए फ्रेशर 15,000 से 20,000 होगी। प्रैक्टिस के दौरान जिस तरह आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी उस तरह आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, अबव 25K होगी। यदि आप गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं तो 25,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी होती है और बढ़ती। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।